गुम है किसी के प्यार में शो की लीड एक्ट्रेस आयशा सिंह हुई अपने फैंस के सामने इमोशनल और शो के आखिरी दिनों पर कहा ऐसी बात जिसे सुनने के बाद आप भी हो जाएंगे आयशा सिंह के फैन। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। देश का दूसरा सबसे बड़ा शो गुम है किसी के प्यार में जिस तरीके से एक बार फिर लाइम लाइट में आ गया है, वैसे तो शो की कॉन्ट्रोवर्सी हमेशा से ही फैंस और दर्शकों के सामने ये शो हमेशा लाइमलाइट में रहा है, चाहे वो विराट पाखी का झगड़ा हो, विराट और सई के रिश्ते को टूटना हो, लेकिन अब जिस तरीके से सई और सत्या की एंट्री हुई थी, सई के लिए नए हस्बैंड की एंट्री कराई गई थी, लोगों को ये जरा भी उम्मीद नहीं था कि इस तरह से मेकर्स करेंगे। अब मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है कि वो 20 साल के लीप लेने के बाद आयशा सिंह, नील भट्ट और हर्षद अरोरा की केमिस्ट्री को खत्म कर दें, जिसके बाद इस शो को लेकर आयशा सिंह के फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं। हैशटैग आयशा सिंह ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। आयशा सबसे ज्यादा फेवरेट है, इस शो की जान मानी जाती हैं। यह भी माना गया है कि यह शो अगर लाइमलाइट में रहा है, अगर टीआरपी में अव्वल रहा है, तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह सई जोशी का कैरेक्टर यानी कि आयशा सिंह के परफॉर्मेंस से लोग सबसे ज्यादा इस शो को देखना पसंद करते हैं और लोगों को बांध के रखने वाली आयशा सिंह एक बार फिर इमोशनल हो गई हैं। आपको बता दें जैसे ये खबर सामने आई थी कि आयशा सिंह इस शो को छोड़ने वाली हैं, लोग काफी ज्यादा मैसेजेस कर रहे हैं और कई सारे लोग इमोशनल हो गए हैं। लोगों की माने तो वो आयशा सिंह के बिना किसी और एक्ट्रेस को देख ही नहीं सकते हैं। ये बहुत ही गलत किया है मेकर्स ने। बीते 1.5-2 सालों से चलने वाले शो में आयशा सिंह को रिप्लेस करना बेहद ही गलत है। इसके साथ आयशा सिंह ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे कैरेक्टर को यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है, लीप आने वाला है, जिसके चलते मैं अब आपके साथ इस शो में आगे नहीं दिखूंगी, लेकिन मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले दिनों में मैं जिस भी शो में जाऊँगी उस शो में आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मुझे सबसे पहला ये शो गुम है किसी के प्यार में जब मिला तब से ही मैं इस शो ने मुझे सब कुछ दिया है जिसके लिए मैं लंबे समय से स्ट्रगल कर रही थी और ख़ास करके जनता के प्यार ने मुझे इमोशनल कर दिया है। आयशा सिंह ने कहा कि मैं हमेशा ही आप लोग का इस तरीके से एंटरटेन करती रहूँगी, लेकिन जिस तरीके से मेकर्स ने अभी फैसला लिया है तो फिलहाल के लिए मैं अपने फैंस को गुड बाय तो ज़रूर कह रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए मैं भी उतना ही ज़्यादा इमोशनल हूँ जितने कि फैंस इमोशनल हैं सई जोशी के कैरेक्टर से। मैंने इस कैरेक्टर को जिया ही, मैंने इस कैरेक्टर को स्मॉल स्क्रीन पे निभाया ही नहीं है, मैंने इस कैरेक्टर को रियल लाइफ में जिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी अपने कास्ट और क्रू और ख़ास करके दोस्तों को, और साथ ही साथ मेकर्स का भी शुक्रगुजार हूँ मैं कि मुझे इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली, इसने मुझे लाखों करोड़ों चाहने वालों को दिया। फिलहाल के लिए गुम है किसी के प्यार में शो की इस लीड एक्ट्रेस के जाने से लोग मायूस हैं और हर तरफ शोक का माहौल। फिलहाल आपका क्या है ओपिनियन आयशा सिंह के एग्जिट पे, आप क्या कहना चाहेंगे, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।